अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए, और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है, PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है। भले ही आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीएससी, यूजीसी, आईआईटी, नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, एसएससी ने एसएससी सीपीओ 2022 का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है और ये अपॉर्चुनिटी इस समय आप सभी के लिए काफी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि एसएससी सीपीओ 2022 के अंदर इस बार इन टोटल 4300 वैकेंसी रिलीज की गई हैं, जिसका नंबर काफी ज्यादा है। और ये नंबर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि लास्ट ईयर यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज ही नहीं हुआ था एसएससी सीपीओ 2021 का, तो वैकेंसी इस बार यहाँ पे लास्ट ईयर की और इस ईयर की कंबाइन करके आई है, तो इसलिए ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो गाइज, यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। मतलब हम लोग यहाँ पे सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2022 के कंप्लीट नोटिफिकेशन की बात इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है यहाँ पे कि गाइस, आप सभी जान रहे हैं कि अब यहाँ पे एसएससी ने अपने एक एक करके नोटिफिकेशन रिलीज कर दिए हैं 2022 एग्जाम्स के, और नेक्स्ट मंथ आपका एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो इस समय आपको प्रिपरेशन अपनी बेस्ट तरीके से करनी है, और आपकी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से यहाँ पे हो उसके लिए अनअकैडमी आप सभी के लिए ऑफर भी लेके आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एच क्रेडिट ऑफर अनअकैडमी यहाँ पे रिलीज किया है, जिसके अंदर आप लोग 41% तक सेव कर सकते हैं। अगर आप लोग एसएससी नॉन टेक्निकल और रेलवे एग्जाम कैटेगरी के अंदर 12 अगस्त से पहले 12 अगस्त तक अपना सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, तो आप देख सकते हैं आपको एडिशनल मंथ मिलेंगे। अगर आप लोग 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लस का परचेज करते हैं तो आपको 1 मंथ एडिशनल मिलेगा, और आप लोग यहाँ पे 20% तक सेव कर पाएंगे। अगर आप लोग 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं प्लस का, तो आपको 6 मंथ एडिशनल मिलेंगे और आप लोग यहाँ पे 41% तक सेव कर पाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको ये सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ 24 मंथ का, जो कि 24 + 6 यानी कि 30 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 8,999 का पड़ जाएगा। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग 41% तक सेव कर सकते हैं, और आप लोग आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन भी देख सकते हैं। 24 मंथ का अगर आप लोग आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको वो 30 मंथ का पड़ेगा और सिर्फ 10,499 का पड़ जाएगा। तो इस समय आपको अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से करने के लिए ये ऑफर आपके लिए बेस्ट है। आप अभी अगर अभी तक आप लोगों ने अपना सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं किया है तो आप लोग PMYT कोड लगा करके अपना सब्सक्रिप्शन परचेज कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए, और इस बार आपका सिलेक्शन फिर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आगे देख लेते हैं गाइस, बात करेंगे यहाँ पे हम लोग एसएससी सीपीओ एग्जाम के नोटिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। 10 अगस्त को यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, और 10 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक आप इस फॉर्म के लिए, मतलब इस वैकेंसी के लिए अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड से ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 30 अगस्त ही रहेगी, 30 अगस्त रात 11 बजे तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन गाइस, लास्ट डेट का इंतजार आपको बिल्कुल भी नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि लास्ट में सर्वर के ऊपर लोड ज्यादा हो जाता है, इसलिए फॉर्म फिल होने में बहुत दिक्कत होती है। आप 2-4 दिन रुक करके अपना फॉर्म फिल करवा दीजिए अगर आपको ये एग्जामिनेशन देना है। मतलब ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर आप लोग फिजिकली फिट है, जो की हम आगे बात करने वाले हैं। अगर आपके जितने भी यहाँ पे स्टैंडर्ड दिए हैं आप उसको फुलफिल कर रहे हैं, तो आपको ये फॉर्म जरूर से फिल करना चाहिए, बिकॉज इस बार यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी काफी ज्यादा अच्छी है। लास्ट डेट गाइस, यहाँ पे जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान 30 अगस्त रहेगी, उसके बाद लास्ट डेट यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन फी पेमेंट कर सकते हैं वो 31 अगस्त तक कर सकते हैं। साथ ही गाइज, आप लोग चलान के थ्रू बैंक में जाके बैंक के वर्किंग आवर्स के अंदर 31 अगस्त तक ही लास्ट पेमेंट कर सकते हैं। करेक्शन विंडो भी ओपन की जाएगी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 दिन के लिए, जो की 1 तारीख को यहाँ पे आपकी ओपन की जाएगी, 1 सितंबर को। तो गलती आप लोग वैसे तो कीजिएगा ही मत, अगर गलती हो जाती है तो 1 सितंबर को आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। साथ में गाइस, आपका यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा वो नवंबर मंथ के अंदर शेड्यूल किया गया है। इन टोटल आपके पास 2.5 से 3 महीने के करीब ही यहाँ पे समय है, तो इस प्रिपरेशन को आपको, मतलब इस समय के अंदर अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से आपको करनी होगी। साथ ही बात कर लेते हैं गाइस वैकेंसीज की। सबसे पहले बात करेंगे सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल। तो यहाँ पे मेल कैटेगरी के लिए जो टोटल वैकेंसीज रिलीज की गई हैं वो 228 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। अब बात करेंगे गाइज यहाँ पे सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फीमेल। तो गाइज, यहाँ पे 112 वैकेंसी रिलीज की गई है टोटल। अब बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे हम लोग अदर वैकेंसीज की। तो आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर जीडी इन CAPF, तो यहाँ पे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर आप देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसीज रिलीज की गई हैं, जैसे कि BSF के अंदर है, यहाँ पे CRPF के अंदर है। अगर बात करें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हैं CRPF के अंदर रिलीज की गई है। टोटल यहाँ पे
3006 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। तो आप यहाँ पे गाइस देख सकते हैं ये मेल कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 106 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। इन टोटल गाइस यहाँ पे 3112 वैकेंसीज रिलीज की गई है सीआरपीएफ के अंदर। बाकी भी आप देख सकते हैं फोर्सेस के अंदर यहाँ वैकेंसीज का नंबर गिवन है। इन टोटल यहाँ पे 3960 वैकेंसीज रिलीज की गई है इन अदर फोर्सेस के अंदर। और अगर दिल्ली पुलिस की भी यहाँ पे वैकेंसीज को मिला ले तो टोटल यहाँ पे 4300 वैकेंसीज रिलीज की गई है, जो की नंबर काफी बड़ा है। आप इसको यहाँ पे कैटेगरी वाइज इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी चेक कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, बात करेंगे अब एज लिमिट की। तो एज लिमिट के लिए यहाँ पे जो क्रूशियल डेट डिसाइड की गई है वो यहाँ पे 1 जनवरी 2022 डिसाइड की है। तो 1 जनवरी 2022 को आपका एज लिमिट का क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। एज लिमिट की बात करेंगे तो 20 ईयर्स से 25 ईयर्स तक की एज लिमिट यहाँ पे आपकी बताई गई है। तो आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी। साथ ही गाइस यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी गिवन है, तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं। अब बात करेंगे गाइस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया 30 अगस्त 2022 को फुलफिल होना चाहिए। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सिंपली आप लोगों ने बैचलर डिग्री अपनी कंप्लीट की हो किसी भी स्ट्रीम से फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, तो आप इसके लिए फिर अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं, आगे बात करेंगे गाइस यहाँ पे हम लोग स्कीम की। तो मतलब यहाँ पे एग्जामिनेशन की बात करेंगे, तो सबसे पहले आपका पेपर वन होगा और उसके बाद आपका यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा PET, उसके बाद आपका पेपर टू होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो यही सारी स्टेजेस के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर वन की। तो पेपर वन के अंदर आपके यहाँ पे रीजनिंग आएगी, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस होगी आपकी, उसके बाद आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, क्वांट का सेक्शन होगा, उसके बाद इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होगा। तो गाइस 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के, सभी सेक्शन सेम है, सेम वेटेज रखते हैं। टोटल आपको 120 मिनट्स मिलेंगे, पूरे 2 घंटे मिलेंगे आपको ये पेपर सॉल्व करने के लिए। आपके टोटल यहाँ पे 200 क्वेश्चन आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगे और यहाँ पे 0.5 की आपकी निगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा और 0.5 की आपकी निगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगी। अब बात कर लेते हैं पेपर टू की। तो पेपर टू के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का आपको यहाँ पे टेस्ट देना होगा। 200 क्वेश्चन होंगे आपके यहाँ पे और आपके मैक्सिमम मार्क्स भी 200, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, जैसा कि आपका CGL मेंस के अंदर होता है। और उसके आपको यहाँ पे टोटल 120 मिनट्स मिलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे CGL के अंदर आपको एक क्वांट का सेक्शन भी देना होता है, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं और आपको वो 200 मार्क्स का होता है, उसके लिए 2 घंटे मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका कोई भी क्वांट का सेक्शन नहीं है, जिन भी कैंडिडेट की मैथ कमजोर है तो वो इसके ऊपर स्पेशली फोकस कर सकते हैं, क्योंकि आपके मेंस के अंदर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही है। आगे देख लेते हैं, बात करेंगे गाइस यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट PET की। तो गाइस यहाँ पे जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं तो वो यहाँ पे उनके लिए जो हाइट का क्राइटेरिया 170 रहेगा, और गाइस यहाँ पे चेस्ट की बात करेंगे तो अनएक्सपेंडेड यानी बिना फुलाए हुए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे होना चाहिए। तो इस क्राइटेरिया को आपको ध्यान देना होगा, अगर आप ये फुलफिल करते हैं तो आप बहुत अच्छी बात है, फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे कुछ कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। ये कैटेगरीज है, अगर आप इन एरिया से बिलोंग करते हैं तो हाइट 165 मेल कैंडिडेट के लिए और चेस्ट का क्राइटेरिया सेम रहने वाला है। बाकी ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स, तो जितने भी कैंडिडेट शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं उनके लिए हाइट का क्राइटेरिया 162.5 रहेगा, और 77 आपका यहाँ पे जो चेस्ट का क्राइटेरिया रहेगा बिना फुलाए हुए, और फुलाने के बाद 82 आपका यहाँ पे 82 सेंटीमीटर चेस्ट का क्राइटेरिया रहने वाला है। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करेंगे तो जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 157 सेंटीमीटर हाइट बताई गई है, मिनिमम है गाइस ये। और उसके बाद गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फीमेल इन एरिया से बिलोंग करते हैं यहाँ पे गिवन है, अब इन्हें चेक कर सकते हैं, तो 155 रहेगा उनके लिए। और ऑल फीमेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब, उन सारी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 154 हाइट का क्राइटेरिया रहने वाला है, 154 सेंटीमीटर। तो गाइस आप इसको चेक कर लीजिएगा, अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आपको जरूर से यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। आगे देख लेते हैं, बात करेंगे आप लोग अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं। सिंपली आप लोग ssc.nic.in पे जाकर के, जो SSC की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। फीस की बात करेंगे तो गाइज यहाँ पे 100 रुपीज आपको फीस पेमेंट करनी होगी, लेकिन अगर आप लोग वुमेन कैंडिडेट्स हैं, SC ST कैंडिडेट्स हैं, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं, तो आपको कोई भी फीस पेमेंट यहाँ पे नहीं करनी होगी। फीस पेमेंट की लास्ट डेट यहाँ पे 31 अगस्त रहेगी और फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 30 अगस्त रहेगी। लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बता रही हूँ, 30 अगस्त तक का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में सर्वर वर्क नहीं करता है। साथ ही ये तो बात हो गई गाइज कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, फीस क्या रहेगी, क्या आपका पैटर्न रहेगा, पेपर पैटर्न। अब बात कर लेते हैं
प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो गाइस प्रिपरेशन करने के लिए अन अकेडमी से के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं, न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, यहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन काफी अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही गाइस यहाँ पे आपको इस समय ऑफर चल रहा है, तो अगर आप लोग 12 तारीख तक जुड़ते हैं, 12 तारीख से पहले जुड़ते हैं PMYT कोड लगा करके, तो आप लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक्स्ट्रा मंथ्स मिलेंगे, 41% तक सेव कर सकते हैं। तो इस ऑफर का फायदा आप जरूर से उठाइएगा। आप चाहें तो प्लस का या फिर आइकॉनिक का अपना प्लान चूज कर सकते हैं, और गाइस मैक्सिमम मंथ्स का आप लोग प्लान चूज कीजिए, उसमें आपको मैक्सिमम फायदा यहाँ पे मिलेगा। PMYT कोड लगा करके आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं और यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग किसी अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग अनअकैडमी ऐप के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, और अनअकैडमी के ऊपर आप लोग PMYT कोड लगा करके मैक्सिमम डिस्काउंट भी पा सकते हैं। साथ ही गाइस PMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज अनअकैडमी ऐप के ऊपर सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, CDS, FCAT, CPF, स्टेट PSC, UGC नेट, IIT JEE नेट। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉन के साथ आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस फिर मिलते हैं।